अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक स्टडी करने लगे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनका इन नियर फ्यूचर में रिस्क हो टू एक्सटिंक्ट, यानी एक्सटिंक्शन होने का खतरा हो इन नियर फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज। आज हम तीन स्पीशीज हैं आपकी किताब के मुताबिक, तीन स्पीशीज हैं जिनको इंडेंजर्ड करार दिया पाकिस्तान के अंदर, इनको आज हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहली स्पीशीज का नाम है इंडस डॉल्फिन। कौन सा है बेटे? इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन जो है, इट इज अ फ्रेश वाटर मैमल। एनिमल भी है और ये मैमल भी है, और अकॉर्डिंग टू इसका तखमीना बता रहा है, अकॉर्डिंग टू WWFP कल ऑर्गेनाइजेशन का इसका नाम बताया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर पाकिस्तान, इसके तखमीने के मुताबिक नियर अबाउट 600 एनिमल्स लेफ्ट, 600 एनिमल्स जो है वो लेफ्ट हो गए, रहता कहां पर है ये जनाब? इन इंडस रिवर। इंडस रिवर बेटे, ये दरियाए सिंध जो है उसमें रहता है, दरियाए सिंध, इंडस रिवर, तो उसमें तकरीबन इसकी तकरीबन 600 एनिमल बाकी जो है इसके आप जो है वो रह चुके हैं। अब इसकी काजेज ऑफ इंडेंजरमेंट या फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसको इंडेंजर्ड बना रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कम हो रहे हैं। पहला फैक्टर है बेटे वाटर पोल्यूशन, आबी आलूगी, जिसकी वजह से इंडस डॉल्फिन जो है वो पानी की इसकी मिकदार क्या होती जा रही, कम होती जा रही। फिर है बेटे पोचिंग, कहते हैं बगैर इजाजत के पकड़ना, शिकार करना भी आप कह सकते हैं इसको। फिर है जनाब तीसरे नंबर पर डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, रहने की जो जगह है उसका डिस्ट्रक्ट होना, दबा हो जाना, खत्म हो जाना। आप इनको फैक्टर्स भी कह सकते हैं, आप बेटे इनको काजेज भी कह सकते हैं। तीन काजेज हमने लिखी हैं, एक है वाटर पोल्यूशन, दूसरा है पोचिंग, तीसरा हमारे पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब हम थोड़ा सा इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या है। पता होना चाहिए ये जानदार किस तरह का है, तो बेटा इसकी थोड़ी सी हम फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में इन्होंने बताया इट हैज लॉन्ग बीक, लंबी सी इसकी समझ में चूंच नुमा एक साफ होती है, विद राउंडेड बैली, पेट जो इसका होता है वो राउंडेड होता है, और एंड इसके ऊपर जो फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन, बॉडी के ऊपर जो छोटे से फिन लगे होते हैं वो छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल डॉर्सल फिन्स, वेरी स्मॉल डॉर्सल फिन्स, डॉर्सल फिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एंड
लार्ज फ्लिपर्स, और इसका जो फ्लिपर है वो बहुत बड़ा है, फिन छोटे मगर फ्लिपर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब जरा सुन ले, बड़े मजे की बात ये है कि इसकी जो आईज है, आंखें हैं, आईज हैव नो लेंसेस, आंखें तो हैं मगर आंखों में लेंस नहीं है जिसकी वजह से ये देख नहीं सकती। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड या सॉरी ब्लाइंड ऑप्शन कार्ड, इस वजह से इसको कहते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन। इस वजह से बेटे हम इसको ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं। अब देखते हुए है नहीं, महसूस क्या करती होगी, खुराक कैसे तलाश करती होगी। इन्होंने बताया कि ओनली डिफरेंशिएट, ये सिर्फ बेटे फर्क कर सकती है। किस किस के दरमियान में फर्क करेगी, फर्क किस किस के दरमियान में करेगी, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क यानी कि उजाले और अंधेरे में फर्क कर सकती है। फिर एक टर्म लिखी है इन्होंने जनाब, इसको कहते हैं जनाब इको लोकेशन। इको लोकेशन ये किसी चीज की लोकेशन मालूम करना विद द हेल्प ऑफ इको। इको कहते हैं साउंड को, तो इको लोकेशन आप इसको साउंड सेंसर भी कह सकते हैं। आप इसको बेटे क्या कह सकते हैं, साउंड सेंसर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर्च इट्स प्रे विद हेल्प ऑफ साउंड, उसकी साउंड सुनने के साथ साथ ये उसको लोकेट कर सकती है कि इसका शिकार जो है वो किस साइड पर जो है वो मौजूद है, तो ये उसको जाकर पकड़ सकती है। तो इट जंप करती है, जंप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर, किसके लिए जंप करेगी ऊपर, क्यों आएगी सतह के ऊपर बैठे, फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए ऊपर आएगी, फॉर एवरी 30 to 60 सेकेंड आधे मिनट से एक मिनट तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद दोबारा ऊपर सतह पे आ जाती है और सांस लेती है, फिर चली जाती है। इस तरह इसका सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ये एक हमारे पास हो गया एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम है इसका इंडस डॉल्फिन। दूसरा बड़ा हमारे पास है, इसको कहते हैं मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप बेटे ये एक भेड़ है, नाम है इसका मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप जो है इसकी लोकेशन हम बताते हैं, सबसे पहले लोकेशन बता रहे हैं इसकी कि इसकी लोकेशन क्या है, ये किधर किधर पाया जाता है। जैसे इसकी लोकेशन इंडस रिवर में जो है वो पाया जाता है डॉल्फिन जो है, और मार्को पोलो शीप हम बता रहे हैं इट इज लोकेटेड, किताब लिखा स्कैटर्ड इन कराक्रम, किसमें बेटे कराक्रम। कराक्रम क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है, तो इसे लिख दिया इसलिए कराक्रम माउंटेन रेंज एंड खुंजराब। बेटा खुंजराब का इलाका जो है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर
को लगता है दरम्यान में आता है, और वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसको कुंजराब नेशनल पार्क ही कहते हैं, और वहां पर एक दरा भी है, पास भी है, जिसको कुंजराब पास कहते हैं, जिससे गुजर कर आप चाइना जाए वो जाते हैं। तो इसे लिखा है इसने मोस्टली फाउंड इन कुंजराब, मोस्टली फाउंड इन कुंजराब नेशनल पार्क, कुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाय एरियाज, नियर बाय एरियाज इन उसके करीबी इलाकों में भी ये पाया जाता है। अब इसका देख रहे हैं हमने कि इसकी वजूहात जो है वो क्या हो सकती है। लिखा है फ्रॉम लास्ट टू डेकेड्स, यानी पिछले दो अशरों से एड्स पॉपुलेशन इसकी जो आबादी है स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है। वजूहात क्या है? डिस्ट्रक्शन आप हैबिटेट भी लिख सकते हैं, काजेज आप लिख सकते हैं। मैं दो काजेज इनकी आती है बेटे हमेशा, एक तो काज आ सकती है हंटिंग, दूसरी काज आ सकती है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, दूसरी काज आ सकती है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट किसकी, मार्गो पोलिशी की। तो तीसरी और आखिरी हमारे पास जो एंडेमिक स्पीशीज है इसका नाम है ओबारा बस्टर्ड। अब आप नाम सुन के ये सोच रहे होंगे ये ओबारा बस्टर्ड क्या चीज है, हमारा बस्टर्ड क्या चीज है, किस तरह का जो है ये जानदार जो है वो है। तो हमारा बस्टर्ड जो है इट इज अ लार्ज एनिमल, बल्कि आप देखेंगे इट इज अ लार्ज बर्ड, ये बहुत बड़ा परिंदा है, और इसकी रेंज जो है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, चौड़ाई कितनी होगी इसकी, तकरीबन 140 सेंटीमीटर विंग स्पैन, यानी इसके पर फैल सकते हैं, तो इनकी चौड़ाई जो है वो 140 सेंटीमीटर, कहां 60 लंबाई कितनी थोड़ी, चौड़ाई देखने कितनी है। और फिर इसने कहा इट इज अ ओमनीवोर है। क्या खाता है ओमनीवोर जो है, दैट ईट सीड्स, ये बेटे सीड खाता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है, सीड्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, और ये बेटे स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है। तो इस वजह से इसको कहा है ओमनीवोर, इंसेक्ट खा गया तो समझ ले गोश्त खा गया, सीड खा गया तो समझ ले प्लांट खा गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया, ओमनीवोर्स का नाम दिया। अब बता रहे हैं इसको ये कहां रहता है, इसकी लोकेशन बता रही है, इट फ्लाई, ये बेटे फ्लाई करता है, कहां फ्लाई करता है, फ्लाई टू पाकिस्तान की तरफ आता है, कहां से आता है, इन विंटर, सर्दियों में खास तौर पर, फ्रॉम, अब बता रहा है कि पाकिस्तान में इसने कहां से आना है, फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी से विंटर सीजन में पाकिस्तान में आ जाता है, कहां जाता है, पाकिस्तान में आ जाता है, एंड पाकिस्तान में आकर
ये बेटे सेटल हो जाता है, सेटल डाउन इन चोलिस्तान, सेटल डाउन इन चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट। थर डेजर्ट ये रहता कहां पर है, ये बिंदा सहरा में रहता है, चोलिस्तान के डेजर्ट में और थर के डेजर्ट में जो है ये रिहायश पजीर होता है। और ये फेमस है, इट इज फेमस, ज्यादा मशहूर है अमोंग अरब, जो अरब के लोग हैं उनके लोगों में ये ज्यादा मशहूर है, हमारा वस्ट्रड का परिंदा जो है। और इसको इंडेंजर्ड बर्ड कब डिक्लेयर किया गया, इसको इट डिक्लेयर, इट डिक्लेयर एज इंडेंजर्ड, डिक्लेयर एज इंडेंजर्ड कब, इन 1975 में इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसकी जो कॉजेज है, इसकी कॉजेज है इंडेंजर्डमेंट की, आप कॉजेज को फैक्टर भी कह सकते हैं, वो कौन कौन सी है। नंबर वन, हंटिंग प्रेशर, या ओनली आप हंटिंग भी लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट आप लिख सकते हैं जनाब। ये काजेज हो गई किसकी, हमारा बस्टर्ड की। दो नाम आपकी किताब में लिखे हैं वो जरा इनसे हटके हैं, मैं यहां लिखने लगा हूं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें लिखते हैं जनाब। हम एक नाम है नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल, दूसरा है नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड। नेशनल एनिमल जो है इसका नाम है बेटे मारकोर, और बर्ड जो है इसका नाम है बेटे चकोर पैट्रिज। सिंपल में आप चकोर भी कह सकते हैं, यानी नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान जो है उसका नाम है मारकोर, और नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है उसका नाम क्या है, चकोर पैट्रिज। ये सिंपल में आप इसको नाम क्या दे सकते हैं बड़े, चकोर भी कह सकते हैं। तो आज हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज पाकिस्तान की तीन पढ़ी है, इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप और थर्ड नंबर पे हबारा बस्टर्ड। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।